बैक दोस्तों टू द गुजराती चेस जोन। स्कैंडिनेवियन डिफेंस की जो हम द पोर्टुगीज गैम्बिट के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज उसी के बारे में दूसरा चैप्टर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वेरिएशन ई क्रॉस एफ सेवन, सेवंथ मूव लास्ट टाइम हमने देखा था, आप लोगों ने नोट किया होगा, और नोट नहीं किया तो फिर भी दोबारा वीडियो देख के नोट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं बी वेरिएशन, जिसमें मैंने बना है बिशप ए थ्री इन सेवंथ मूव। तो बिशप ए थ्री अगर वाइट खेलता है सेवंथ मूव में, और वो भी हमारे जो डी क्रॉस ए सिक्स नाइट सी सिक्स वेरिएशन के बाद, सिक्स मूव के बाद सेवंथ मूव, जिसमें मैंने आपको साइड लाइन्स भी बताई थी जी फोर सेक्रीफाइस, तो आप उसे रिपीट करके दोबारा देख लेना वीडियो, ताकि आपकी ओपनिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। चलिए शुरू करते दूसरा वेरिएशन ई फोर डी फाइव। ई फोर डी फाइव के बाद डी टेक्स डी फाइव नाइट एफ सिक्स देन डी फोर बिशप जी फोर बीजी फोर एफ थ्री वेरिएशन देखा है हमने, और एफ थ्री में ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद के जो नॉर्मल वेरिएशन है जो बिशप ई टू या नाइट एफ थ्री, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट या कोई भी वीडियो में आगे। तो एफ थ्री के बाद बिशप एफ फाइव, बिशप एफ फाइव के बाद सी फोर। ये पोर्टुगीज आपको हर एक वेरिएशन तैयार करने होंगे, तब भी आप ये लाइन खेल सकते हैं। हालांकि खेलने में बहुत मजा आता है ब्लैक से, बहुत ही अटैकिंग लाइन है, लेकिन मूव बाय मूव सब प्रिपरेशन होना चाहिए दोस्तों। तो सी फोर के बाद यहाँ पे आता है ई सिक्स डी टेक्स ई सिक्स देन नाइट सी सिक्स। दोस्तों एंजिन यहाँ से ब्लैक को 1.5 जितना प्लस बता रहा है। तो डी क्रॉस नाइट सी सिक्स, वैसे देखा जाए तो पॉइंट की दृष्टि से ब्लैक माइनस है, ऑलरेडी हमने दो पॉन दे चुके हैं। तो यहाँ पे नाइट सी सिक्स के बाद हमने लास्ट टाइम देखा था कि मेन वेरिएशन ई एफ सेवन, ये ब्लैक के लिए काफी अच्छा है, व्हाइट के लिए नहीं अच्छा। तो बिशप ई थ्री, यहाँ पे एक और भी थ्रेट है हमारी, क्वीन टेक्स डी फोर की थ्रेट है। तो वहां पे एक और वेरिएशन आता है बिशप ई थ्री, आफ्टर बिशप ई थ्री यहाँ खेलना है आपको क्वीन ई सेवन। क्वीन ई सेवन के बाद दो वेरिएशन और हैं यहाँ से, आप नोट डाउन कीजिए, वेरिएशन नंबर ए नाइट सी थ्री और वेरिएशन नंबर बी ई क्रॉस एफ सेवन। अब दोनों वेरिएशन में आपको डीप में बताऊंगा, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिशप बी फाइव वाला वेरिएशन दिखाऊंगा, जहां से व्हाइट चेक देके बाद में सी फोर करता है, तो गेम कितनी अलग होती है। तो देखते हैं पहले बिशप ई थ्री, बिशप ई थ्री में उसके बाद नाइट सी थ्री, क्वीन ई सेवन के बाद नाइट सी थ्री। नाइट सी थ्री में आपको करना है लॉन्ग कैसल, लॉन्ग कैसल के बाद व्हाइट खेलेगा किंग एफ टू। मोस्टली यही मूव आता है, किंग एफ टू के अलावा और कोई मूव है तो आप देख सकते हो कि ये बिशप सपोर्ट बिना है, नेक्स्ट थ्रेट में आप पॉन क्वीन टेक्स पॉन मार सकते हो। तो किंग एफ टू इसीलिए जाना गया है। किंग एफ टू के बाद यहाँ पे ब्लैक खेलेगा एफ क्रॉस ई सिक्स, नाइट जी ई टू, नाइट बी फोर, क्वीन डी टू। यहां ई फाइव, ये स्ट्रक्चर और पोजीशन के हिसाब से ब्लैक काफी अच्छी तरह अटैकिंग गेम खेल सकता है। नाइट डी थ्री भी एक आपके पास मूव है, लेकिन वो हम पेंडिंग रखते हैं दोस्तों। ई फाइव अर्ली मूव है और अच्छी मूव है, तो यहां से आप गेम खेल के ट्राई करना। दिखाता हूं आपको बिशप ई थ्री के बाद ई क्रॉस एफ सेवन, ई फोर डी फाइव डी फाइव नाइट एफ सिक्स डी फोर बिशप जी फोर एफ थ्री बिशप एफ फाइव सी फोर ई सिक्स डी टेक्स ई सिक्स नाइट सी सिक्स बिशप ई थ्री देन क्वीन ई सेवन, और अब यहां पे ई क्रॉस एफ सेवन चेक। ई एफ सेवन किंग क्रॉस एफ सेवन नॉर्मल मूव है, यहां पे क्वीन टेक्स ई थ्री हमारे हाथ में रहता है। तो किंग क्रॉस एफ सेवन के बाद व्हाइट ऑब्वियस किंग एफ टू खेलेगा, रुक ई एट। अब यहां पे आप डबल अटैक बिशप पे कर रहे हो, तो रुक ई एट के सामने क्वीन डी टू एक ही अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से।
क्वीन डी सेवन, यहाँ पे एक वेटिंग मूव करना है। क्वीन डी सेवन, व्हाइट खेलेगा सी फाइव। सी फाइव इसलिए कि बिशप उसका अनडेवलप है, जो बिशप सी फाइव चेक का प्लानिंग कर सकते हैं। तो सी फाइव व्हाइट के लिए बेस्ट मूव है। यहाँ पे रुक क्रॉस ए थ्री सेक्रीफाइस। अब देखो दोस्तों, ये सेक्रीफाइस मैंने बताया पोर्टुगीज गैम्बिट में रूक क्रॉस ए थ्री बहुत ही गेम में आपको देखने को मिलेगा, बहुत वेरिएशन में देखने को मिलेगा। अब रूक क्रॉस ए थ्री कब सेक्रीफाइस देना है, ये अगर आपने रिपीट करके मतलब ये प्रीपेड पूरा किया है तो रूक क्रॉस ए थ्री के बाद पूरी गेम ब्लैक के हाथ में आ जाती है। अब कैसे, तो सबसे पहले दो ऑप्शन है, किंग क्रॉस ए थ्री और क्वीन क्रॉस ए थ्री। पहला ऑप्शन हम देखते हैं क्यू क्रॉस ए थ्री, नाइट क्रॉस डी फोर यहाँ आएगा, उसके बाद बिशप सी फोर चेक, बिशप ई सिक्स, बिशप क्रॉस ई सिक्स, नाइट क्रॉस ई सिक्स। अब नेक्स्ट रेट हमारे बिशप सी फाइव है, तो बी फोर ये ही पॉसिबल मूव है, और बी फोर के बाद आपको यह खेलना है नाइट डी फोर, नाइट टेक्स बी फोर और फोर की थ्रेट है। तो ये पोजीशन में ब्लैक की फेवर में है। अब देखते हैं अगर किंग से रुक मारता है तो क्या होता है। रिपीट मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि हर एक मूव आपको एकदम मुंह जुबानी याद रह जाए। बिशप जी फोर एफ थ्री, बिशप एफ फाइव, देन सी फोर, ई सिक्स, डी क्रॉस ई सिक्स, नाइट सी सिक्स, बिशप ई थ्री और यहाँ पे क्वीन ई सेवन, ई एफ सेवन, किंग क्रॉस एफ सेवन, देन किंग एफ टू, रुक ई एट, क्वीन डी टू, क्वीन डी सेवन, सी फाइव और यहाँ पे रुक सेक्रीफाइस, रुक टेक्स बिशप। अब देखते हैं किंग से अगर रुक मारता है तो क्या होता है। किंग क्रॉस ई थ्री, यहाँ जी सिक्स करना है आपको। अब ये सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि बिशप एच सिक्स की ओर की थ्रेट है। बिशप सी फोर अगर चेक आता है तो यहाँ भी आप किंग ई एट या तो किंग ई एट भी खेल सकते हो वेटिंग। उसके बाद वाइट खेलेगा किंग एफ टू, जो कि बिशप एच सिक्स को स्टॉप कर रहा है। तो किंग एफ टू के बाद यहाँ नाइट क्रॉस डी फोर आता है, नाइट ए थ्री डेवलप के लिए, नाइट ए थ्री, बिशप सी फाइव डिस्कवर की थ्रेट है, किंग एफ वन डिस्कवर से बचने का रास्ता, और फिर रुक एफ एट। अब ये काफी जबरदस्त पोजीशन है, ब्लैक के फेवर में है गेम, क्योंकि व्हाइट के अभी भी तीन पीस डेवलप नहीं हुए हैं और ब्लैक के सारे पीसेस डेवलप हो चुके हैं। जरूरत पड़ने पर आप किंग डी एट डेन किंग सी एट करके आर्टिफिशियल कैसलिंग कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी हमारी दूसरी लाइन ई क्रॉस एफ सेवन। अब मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर मेरा बिशप बी फाइव चेक वाला है, तो वो क्या है थोड़ा आपको बता रहे हो। ई फोर डी फाइव, ई डी फाइव, नाइट एफ सिक्स, डी फोर, बिशप जी फोर, एफ थ्री, बिशप एफ फाइव और उसके बाद बी बी फाइव चेक। अब इसके आगे के वेरिएशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए ये यहाँ तक के सारे वेरिएशन आप रेडी करके रखिए और बहुत सारे गेम भी खेल लीजिए, ली चेस में या कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में, जैसे कि chess.com है, 24chess है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेग्राउंड आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, और आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। मेल आईडी भी मैं कमेंट बॉक्स में रखता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर भी है। ऑनलाइन कोचिंग भी मैं करता हूँ, इंटरेस्टेड है वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।